प्रदेश डिपो संचालक समिति द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी डिपो धारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में डिपो धारकों ने उनको आ रही समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। जिन्यारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। जनियारा में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते राशन के डिपो लोगों के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि डिपो के माध्यम से ही आम जनमानस को सस्ते राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। डिपो होल्डर्स की समस्याओं के निदान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे तथा मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा। इससे पहले डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने मुख्य अतिथि को समस्याओं से भी अवगत करवाया। मैंने इनकी डिमांड्स देख ली है, इसके साथ और भी कुछ और इनकी डिमांड्स है, लेकिन जो इनका मेन डिमांड जो है वो है सैलरी वाला। हालांकि इन्होंने दो तीन स्टेटों में मुझे नोटिफिकेशन भी दी है, चाहे वो J&K है, केरला है, तमिलनाडु है, और भी नोटिफिकेशन पड़ी भी है। इनकी फिक्सेशन जो मंथली सैलरी जो कर दी गई उन नोटिफिकेशन में, हम भी चाहते हैं उसी की तर्ज पे, स्पेशली मैं चाहता हूँ उसी की तर्ज पे अगर इनको भी मंथली वो सैलरी मिल जाए तो मैं समझता हूँ इनका भी गुजारा जो ढंग से चल पड़ेगा, ये भी अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दो चार और भी डिमांड्स हैं, जैसे अभी हाल ही में ये कहा गया है, अभी तक तो मैंने समझ नोटिफिकेशन मिली भी डिप्यूटी से महीना भर खुला रहे, हफ्ते में एक दिन इनको भी मिलना चाहिए। इसके अलावा इनका है दूसरा एक्ट का है, फूड सेफ्टी एक्ट का है, क्योंकि ये माल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं तो डेफिनेटली है फिर जो सिविल सप्लाई से लेते हैं, तो इनके ऊपर जो सेफ्टी एक्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही सेल करते हैं, ये भी इनकी बात जेन्युइन है। इसके अलावा और इनकी इनका जो बड़ा कमीशन है वो बैलेंस है इनका 27 महीने का, ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट इनको कमीशन बढ़ाया है जो ड्यू कमीशन है इसके वो हकदार है। इसके अलावा और भी दो चार इनकी छोटी छोटी डिमांड है, लेकिन मेन डिमांड जो है इनका वो सैलरी से लेके है, और ये इनकी बहुत मुझे लगता है जेन्युइन डिमांड है। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मामला सरकार के पास उठाऊँ, कंसर्न मंत्री के साथ बैठ कर मैं बात करूँ। वहीं प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि आज प्रदेश डिपो संचालक समिति द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डिपो धारकों को आ रही समस्याओं से विधायक नरेंद्र ठाकुर को अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि सारा राशन एक साथ डिपो में उपलब्ध करवाया जाए, ताकि लोगों को भी एक साथ राशन वितरित किया जा सके, ताकि लोगों को बार बार डिपो के चक्कर न काटने पड़े। हमने अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार के समक्ष पहले भी रखी हैं, पिछली सरकारों के समय भी रखी, और अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हैं, माननीय खाद्य मुख्यमंत्री जी के पास भी हम कई बार मिल चुके हैं। तो एक दो डिमांड्स थी हमारी, वो थी माल हमें सप्लाई कारपोरेशन के गोदामों से तो रुपये नहीं मिलता था, तो उसकी भी हमने शिकायत की थी। अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए माननीय मंत्री ने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाई कारपोरेशन को कॉपी की है कि डिपो होल्डर्स को वहाँ बुलाया जाए, गोदाम में बुलाया जाए, और गोदाम में उनके सामने जो तोल कर जो डिपो होल्डर्स को वहाँ दिया जाए। तो ये उनमें से जो हमारी डिमांड है उनमें से सिर्फ एक के ऊपर अब तक कार्रवाई हुई है जो हमारे सामने हमारे पास है, इसका एक कॉपी है। और बाकी हमारी मेन जो डिमांड है हमारी वो है कि हमें सैलरी फिक्स करे सरकार, कर्मचारी घोषित करे, और ये जो आए दिन हमारे मंत्री कभी बोलते हैं 10 से 5 डिपो खुला रहेगा, अखबारों में बयानबाजी आती है, कभी बोलते हैं कि डिपो जो है वो 10 से 6:30 तक खुला रहेगा, कभी बोलते हैं जी 30 दिन डिपो खुला रहेगा। तो मेरा ये माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हमें भी, हमारा भी परिवार है, हमारी भी रिश्तेदारी है, हमें भी समस्याएं आती हैं, तो हमें भी कम से कम छुट्टी का तो एक आधी महीने में 4 छुट्टियाँ तो हफ्ते की छुट्टी तो हमारी बनती है। और जब भी जितनी सरकारें बदलती हैं, नए मंत्री आते हैं, जब नया मंत्री बनता है नई सरकार आती है, नए आदेश, चाहे वो समय सारणी के आदेश हैं या कोई दूसरे आदेश हैं। अभी मंत्री जी की एक बयान आया था और उन्होंने विभाग को
आदेश दिए कि डिपो होल्डर जो है वो 10 तारीख से पहले अपना राशन उठाएं। इसमें डिपो होल्डर्स को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि डिपो होल्डर्स कोई नहीं चाहता कि हम लेट राशन उठाएं, डिपो होल्डर चाहते हैं कि हम जल्दी राशन उठाएं। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि सेल सप्लाई कॉर्पोरेशन के ऊपर जो है गोदामों के ऊपर राशन पूरा नहीं होता है, कभी चीनी नहीं है, कभी तेल नहीं है, कभी रिफाइंड नहीं है, तो कभी दाड़े नहीं है। और डिपो होल्डर्स की कोशिश ये रहती है कि जब सामान पूरा एक गोदाम में इकट्ठा आएगा तो डिपो होल्डर तब उसको उठाए, ताकि लोगों को बार बार चक्कर ना काटने पड़े डिपो होल्डर डिपो। और लोग भी यही चाहते हैं कि हमें इकट्ठा राशन दे डिपो होल्डर। तो मेरे सरकार से ये आग्रह है कि सरकार बजाय डिपो होल्डर के ऊपर कार्रवाई करने के या इस तरह के आदेश देने के विभागीय अधिकारियों को पहले सिविल सप्लाई के गोदामों में जो राशन की उपलब्धता है उसको करवाए, पूरा राशन जो गोदामों में पहुंचे, और तब डिपो होल्डर राशन उठा लेंगे। डिपो होल्डर को ये पता नहीं है।